अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो आज हम एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम की टॉप 4 सीक्रेट टिप्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम ही नहीं है। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला टिप्स है वो है कि आप किसी की SMS को पढ़ना चाहते हो या फिर सिंक करना चाहते हो, लेकिन जिसके SMS पढ़ना चाहते हो उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके उसकी SMS को पढ़ा है। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है सर्च वाला ऑप्शन पे। सर्च वाला ऑप्शन पे जाके सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करके जिसके SMS आप पढ़ना चाहते हो उसका आईडी को यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके आईडी का सर्च करने के बाद उसके प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन है, थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है रजिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद मैसेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी SMS किया, जो भी मैसेज किया आपको, आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं होगा कि आप उसके SMS को देखा है जब तक आप उसे अनस्ट्रिक्ट नहीं करोगी। हमारा जो सेकंड टिप्स है वो है कि आप किसी की स्टोरी को देखना चाहते हो लेकिन उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि आपने उसके स्टोरी को देखा है। उसके लिए उसके बाजू वाले स्टोरी पर क्लिक करना है। बाजू वाले स्टोरी पर क्लिक करने के बाद ऐसे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो स्टोरी होगा उसकी स्टोरी आप देख सकते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं होगा कि आपने उसकी स्टोरी को देखा है। हमारा जो थर्ड नंबर टिप्स है उसके लिए सबसे पहले फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। फोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद स्टिकर वाला ऑप्शन पर जाना है। स्टिकर वाला ऑप्शन पर जाके यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अल्फाबेट लिख के सर्च कर देना है। अल्फाबेट लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इमोजी ई फॉन्ट आ जाएगी। आप इस इमोजी फॉन्ट को आपने पिक्चर में यूज़ करके आपकी स्टोरीज को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारा जो फोटो नंबर ट्रिक है वो है, ये होता है कि आप रील्स वीडियो देखते हो, देखते देखते किसी भी रील्स आपको पसंद आ जाती है, उसे डाउनलोड करना चाहते हो। उसे डाउनलोड करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वीडमेट या फिर किसी भी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं इस रील्स को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इस रील्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे थर्ड वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फास्ट वाला जो ऑप्शन है एड रील्स टू योर स्टोरी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो को पूरा सा जूम कर लेना है। वीडियो को पूरा जूम करने के बाद थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो विदाउट म्यूजिक के आपके गैलरी पे सेव हो जाएगी। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।